इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लाल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार निवासी बमहौरी तहसील सिलवानी जिला रायसेन मध्य प्रदेश। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं हूँ दिव्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं परम पूज्य निर्यापक शमन मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के भव्य मंगल प्रवेश के मनोरम झलकियां। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज के मंगल आशीर्ष से मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बेगमगंज में ऐतिहासिक चातुर्मास पूर्ण करने के उपरांत 24 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के ही जिला सागर स्थित नन्ही देवरी पधारे पूज्य मुनिराज की हजारों भक्तों ने बड़ी धूमधाम से भव्य अगवानी करने का सौभाग्य प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शन लाभ लेते हैं अपनी जन्मभूमि नन्ही देवरी पधारे पूज्य मुनिवर श्री समता सागर जी महाराज के भव्य मंगल प्रवेश के अनुपम दृश्यों का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग का विगत 24 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश प्रांत की जिला सागर स्थित नन्ही देवरी में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। गुरु आज्ञा से मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बेगमगंज में ऐतिहासिक चातुर्मास पूर्ण करने के उपरांत विहार करते हुए गुरु महाराज के पग जैसे जैसे अपनी जन्म स्थली की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे वहां भक्तों का उत्साह बढ़ने लगा और गुरु दर्शनों को पलक पावड़े बिछाए श्रद्धालु जन मार्ग में ही उनका अभिनंदन करने पहुंचने लगे। इधर परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज के साथ नन्ही देवरी पधार रहे संगस्त साधु संतों की भी चरण रज को मस्तक पर धारण कर भक्तों ने अपने पुण्यों में वृद्धि की। मंगल प्रवेश के दौरान अपने नगर गौरव के दर्शनों को उत्सुक भक्तों का उत्साह देखने योग्य था। ढोल लगाड़ों की ऊंच पूर्ण ध्वनियों और भक्तों द्वारा किए जा रहे जय घोषों से समूचा वातावरण गुंजायमान हो रहा था। तो वहीं शीश पर घटों को धारण किए श्राविकाओं ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूज्य गुरुदेव की प्रदक्षिणा की। इसी बीच पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुजनों के पावन चरणों को प्रक्षालित कर उनका परम आशीष प्राप्त किया। पूज्य गुरुवर के भव्य प्रवेश में चहुं ओर भक्ति का सैलाब उमड़ रहा था। एक ओर जहां लोक नृत्य करते कलाकार हाथी घोड़ों पर सवार श्रेष्ठी जन धर्म प्रभावना करते नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर हाथों में धर्म ध्वजा लिए युवक बालक और वृद्ध सभी ने बैंड बाजों की ध्वनियों पर नाचते झूमते हुए गुरु भक्ति का भरपूर आनंद लिया।
इसी क्रम में जब गांव पहुंचने पर पूज्य गुरुदेव ने जिनाले में विराजमान तीर्थंकर भगवंतों का दर्शन कर नमन वंदना की, तो वहीं पुण्यवान श्रद्धालु ने गुरुजनों के चरण पखार कर उनकी मंगल आरती उतारी। तत्पश्चात नन्ही देवरी और आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में पधारे जैन जैनेतरों ने बड़े ही श्रद्धा भाव से पूज्य गुरुवर के समक्ष श्रीफल अर्पित कर उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ पर तो गुजर दोनों मुनिराजों का यहाँ पर जन्म हुआ है, तो ये भूमि तीर्थ क्षेत्र से कम नहीं है। अगले क्रम में पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज ने अपनी मंगलवाणी में भक्तों को बतलाया कि मुनि राजों की जन्म स्थली किसी तीर्थ क्षेत्र के समान होती है। इस दौरान मुनिश्री ने सभी समाज से पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आगामी 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2022 के मध्य होने वाले ऐतिहासिक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में तन मन धन से सहयोग करने का आह्वान भी किया। दोनों मुनिराजों का यहाँ पर जन्म हुआ है, तो ये भूमि तीर्थ क्षेत्र से कम नहीं है। मतलब तीर्थ क्षेत्र मंदिर है, इसलिए पूरी समाज के लिए इस प्रतिष्ठा महोत्सव में अपने अपने हिसाब से तन मन धन से सहयोग देना है, क्योंकि ये तीर्थ क्षेत्र है और तीर्थ क्षेत्र तो सबका होता है, किसी अकेले का नहीं। केसली वाले हों चाहे बमोरी वाले हों, ज्यादा नाम मुझको याद नहीं है, जहां जहां जाऊंगा वहां के नाम याद हो जाएंगे। अभी तो जहां गए वहां के नाम बता रहे, इसलिए सारे के सारे लोग और बेगमगंज वाले भी ना सोचे कि चलो महाराज जी को छोड़ने आ गए बड़ी संख्या में, अब फ्री हो। हमारे हाथ में तो कुछ रहता ही नहीं है, हम मना भी करें वो कुछ आप सभी लोगों के लिए बहुत अहम है, और आसपास के जो जैनेतर बंधु हैं इनके लिए भी पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव बहुत ही विशेष है। इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होने के बाद आप लोग ध्यान रखना, इस जो समृद्धि ऐश्वर्य आने वाला है इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद आप लोग देखना। इसलिए जितने भी जैनेतर बंधु बात को सुन रहे हैं, प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान कहीं कोई नशीला पदार्थ इस आसपास के एरिया में ना बिकेगा और ना पिए जाएगा, ध्यान रखो। आप सभी लोग सुन रहे हो ना, अगर तुम लोग चाहते हो कि हमारे 8 दिन के बाद फिर तुम लोग देखना पाषाण से परमात्मा बनने का जो अनुपम अनुक्रम जो आपके लिए है आपके सामने आया जाएगा, इसलिए अपनी अपनी समाज में रिश्तेदारों को सूचित करके 1 से 8 तारीख तक के लिए सारे के सारे लोग मुख्य पात्र या पात्र बनके जो भी सामान्य इंद्रदानी बनके अपने अपने सहयोग यहाँ प्रदान सर्व कल्याण कार्य। इसके उपरांत वहाँ उपस्थित सभी भक्तों को परम पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों को श्रवण करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। बड़ा इस मायने में अपने आप हो गया है कि जिन गुरुवर के चरणों की रज पाने के लिए बड़े बड़े महानगर भी तरसते हैं, भावना भाते हैं कि
कि हमारे नगर महानगर में आ जाएं। मंगल प्रवेश की इस पावन बेला में सहभागी बने भक्तों ने अपने उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। 24 नवंबर को परम पूज निर्यापक समता सागर जी महाराज, परम पूज महासागर जी महाराज एवं निष्कम सागर महाराज, साथ में अलग निश्चय सागर महाराज का नन्ही देवरी जन्म गृह स्थान में प्रवेश हुआ। और आज ऐसा लग रहा था मान लो नन्ही देवरी एक तीर्थ क्षेत्र बना हुआ है, और जैसे तीर्थ क्षेत्र में आसपास के सभी लोगों ने बिलहरा है, गौर झामर है, टड़ा है, केशली है, बमोरी है, बेगमगंज, इन सब के सब लोगों ने आकर ऐसा आगवानी की मान लो आचार्य भगवान की आगवानी हो रही हो। और निर्यापक मुनि समता सागर जी महाराज बड़े कृपालु और वात्सल्य मूर्ति हैं। मैं आज इस पंचकल्याणक में जो दो मंदिर हैं यहाँ पर, उसमें एक पुराने मंदिर की वेदी प्रतिष्ठा का है और जो नवीन मंदिर शांतिनाथ भगवान का जनालय है उसमें प्राण प्रतिष्ठा होना है। और इस आज आगवानी से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत विशाल रूप में गजरत महोत्सव होने वाला है, और हम सभी इस महोत्सव के सानंद संपन्न होने की आशा करते हैं। पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज की भव्य आगवानी हुई यहाँ पर पंच कल्याणक महामहोत्सव 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक संपन्न होने जा रहा है। इसमें सभी को सादर आमंत्रित करती हूँ। और आज तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे 14 वर्ष के बाद श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए हैं और नगर निवासियों ने उनके आगमन में फूल बिछाए हैं। ऐसे ही आज यहाँ मुनि श्री समता सागर जी महाराज के आने पर लग रहा था, सभी को बहुत हर्ष लग रहा था। और यहाँ पर आज महाराज जी का आगमन हुआ है, आगवानी हुई है, और मुझे तो ऐसा लगा जैसे त्रिशला माँ के आंगन में महावीर भगवान प्रकट हुए हों। और आज धन्य हो गई नन्ही देवरी, जहाँ आचार्य श्री एक बार यही बोल के गए थे कि ये नन्ही देवरी किसने नन्ही देवरी नाम रखा, ये नन्ही देवरी नहीं है तो देवपुरी है, जहाँ से 4-4 साधु यहाँ से निकले हैं, ये तो नन्ही देवरी ना हो के ये देवपुरी है, देवपुरी नाम रख गए थे आचार्य श्री इसके लिए। और मैं सभी को सादर आमंत्रित करती हूँ, 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक यहाँ पर पंच कल्याणक हैं और सभी लोग यहाँ सादर आमंत्रित हैं। जय जय। यह परम सौभाग्य का विषय है कि जिस गांव में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवध्या साहेब महाराज के शिष्य निर्यापक मुनि श्री समता साहेब महाराज जी का जन्म हुआ, उनकी जन्मभूमि उनके जन्म स्थान पर ही मंदिर का निर्माण हुआ, और उन्हीं संत शिरोमणि विद्यासागर महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि निर्यापक मुनि समता सागर द्वारा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो रहा है। ऐसा अभी तक हमने आगम में कहीं नहीं देखा सुना कि वे ही महाराज उस स्थान में जन्मे, उन्हीं की जन्मभूमि पर मंदिर बना और वे ही महाराज जी उस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव अपने संग सहित कर रहे हैं। ऐसे महामुनि श्री समता साहब महाराज जी के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज यहाँ पर नन्ही देवरी में आया था, यहाँ पर पूज्य निर्यापक समता सागर जी महाराज जी का जन्मस्थली है, और आज आचार्य गुरुवर का सबसे बड़ा आशीर्वाद यह है कि जहाँ पर समता सागर जी का जन्म हुआ उसी जगह पर मंदिर बना, और आज उसी जगह पर उनके ही सानिध्य में पंच कल्याणक होने जा रहा है। आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा इतिहास में, हो सकता है इतिहास की बातें हैं और इतिहास में पहले भी हुआ भी हो, लेकिन आप जिनवाणी चैनल के माध्यम से मैं आपको यह निमंत्रण देना चाहता हूं कि आप एक बार नन्ही देवरी में ज़रूर आएँ। गाँव भला ही छोटा है, इस गाँव ने चार चार पिछीधारी दिए हैं, और साथ में एक और सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जब भी बुंदेलखंड में विहार करते थे तब यहाँ पर 4 बार उनका आना हुआ है, यह गौरव की बात है। अतः यह संपूर्ण भारतवर्ष के लिए यहाँ से नन्ही देवरी के इस ग्राम से आप सभी जैन बंधुओं के लिए सादर आमंत्रित है, जो कि पंच कल्याणक 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक चलेगा। आप सभी लोग आए। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित
नन्नी देवरी में विगत 24 नवंबर 2022 को हुए परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिषी 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के भव्य मंगल प्रवेश की मनोरम झलकियां। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज के मंगल आशीष से मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बेगमगंज में ऐतिहासिक चातुर्मास पूर्ण करने के उपरांत अपनी जन्मस्थली पधारे मुनिराज की हजारों भक्तों ने धूमधाम से भव्य अगवानी कर अपना जीवन सफल बनाया। दर्शकों, हमें आशा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप भी धर्म लाभ के लिए अवश्य ही प्रेरित हुए होंगे। इसी मंगल भावना के साथ मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लाल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार निवासी बमहौरी तहसील सिलवानी जिला रायसेन मध्य प्रदेश।